जयपुर में आईपीएस महिला अधिकारी अमृता दोहान ने डीसीपी ट्रैफिक का कार्यभार संभाल लिया है। अब डीसीपी के पद पर पहली बार अमृता दोहान जयपुर ट्रैफिक को कंट्रोल करती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि लेडी सिंघम के नाम से पहचान बनाने वाली अमृता दोहान इससे पहले अजमेर और कोटा में एएसपी के रूप में सुर्खियां बटोर चुकी हैं। वहीं जयपुर में यातायात व्यवस्था संभालने के लिए डीसीपी अमृता दोहान ने अपने कार्ययोजना बनाई है। इसको लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने आईपीएस अमृता दोहान से की खास बातचीत। राजधानी जयपुर शहर के यातायात को बेहतर बनाने के लिए बेड़े को मजबूत किया गया है और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर यहां पर जो अमृता दोहान है उन्होंने आज ज्वाइन किया है। और किस तरह पूरा चैलेंज रहेगा इस ट्रैफिक के बेड़े को संभालने के लिए और किस तरह पूरी कार्यप्रणाली रहेगी उसको जानने के लिए हमारे साथ खुद यहाँ पर अमृता दोहान जी है। मैडम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ज्वाइन किया है। सबसे पहले आप क्या देखिए, जयपुर मेट्रो शहर है और यातायात सबसे ज़्यादा कंजस्टेड है यहाँ पर, किस तरह के चैलेंजिंग आपको आने वाले हैं? आपने पहले इसका फीडबैक लिया होगा, उसके बाद आप किस तरह की प्लानिंग? मैंने फीडबैक ज़रूर लिया है अब तक जो जाना है, और उसके साथ साथ फीडबैक लेने की बजाय वास्तविक जो ग्राउंड रियलिटी है उसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मेरा प्रयास है वो यही जानने का है, पूरे जयपुर शहर को जानने का है। उसके बाद ये पहचानने का है कि कहाँ पर क्या बॉटलनेक्स है, कहाँ पर क्या जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर तीसरा जो पड़ाव रहेगा वो रहेगा उनका समाधान ढूंढने का। वो समाधान कई तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम मैं सिर्फ एक ही तरीके से सोचूं। पूरी टीम को साथ लेकर और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में वो समाधान हम बेसिक जो ट्रैफिक पुलिसिंग होती है उससे भी जुड़े हो सकते हैं। कुछ ऐसे समाधान होंगे जिनमें हमें नवाचार लाना पड़ेगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। स्थिति के हिसाब से उनको पूरा असेस करके, होमवर्क पूरा करके, फिर उस पर अप्रोच, वो जो प्रॉब्लम है उसको अप्रोच किया जाएगा और जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा उसको हम ऑप्ट करके आपको रिजल्ट जरूर देंगे। क्या कुछ नया करने वाली है अमृता दोहान? अब तक तमाम डीसीपीज आए हैं और उन्होंने बेहतर यातायात बनाने के लिए अपने अपनी नई नई प्रक्रियाएं शुरू की, मगर कहीं ना कहीं एक हाई प्रोफाइल पूरा इलाका पड़ जाता है, प्रोफाइल लोग हैं और उनके बीच में उन रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूट कराना बहुत बड़ा टेढ़ी कीर होता है, चैलेंजिंग होता है। क्या आप इस परेशानी से किस तरीके से निपटेंगे? रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना, आप इसमें यूँ कहेंगे कि इसमें मैं यूँ नहीं मानती कि हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल, इसमें इस तरह का मैं कोई डिफरेंशिएशन नहीं मानती हूँ। जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो जागरूक नागरिक होते हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी प्रोफाइल के हों, अनपढ़ हो पढ़े लिखे हों, वो अगर जागरूक हैं तो वो नियमों की पालना जरूर करते हैं। और जो नियमों की पालना नहीं करते हैं तो कानून ने हमें इतनी पावर शक्तियां दे रखी हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। जैसे मैं मानती हूँ पर्सनल तौर पर ड्रंकन ड्राइविंग ये एक ऐसा अपराध है जिसमें आप स्वयं की नहीं, आप आमजन की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। और स्पेशली हैवी व्हीकल, अगर हैवी व्हीकल में अगर किसी ने शराब पीकर उसका आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी माफी करने लायक चीज नहीं है, आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो अभी जो हम शुरुआत करने वाले हैं, अब तक 185 MV एक्ट में हमारे DIG सर राहुल प्रकाश सर और हम के निर्देशन में और अपने मार्गदर्शन हमारे कमिश्नर सर आनंद श्रीवास्तव सर ने दिया है ड्रंकन ड्राइविंग के, मैंने सुना बहुत अच्छा काम जयपुर कमिश्नरेट में ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया गया है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अगर कुछ इस तरह से अगर हमारे पास आता है कोई भी केस स्पेशल हैवी व्हीकल का तो हम आगे बढ़कर उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे 236 की धारा में, वो हमें शक्ति देती है IPC की, हम आप उसके CRPC की हम उस धाराओं में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर ये मैसेज आम जनता तक पहुँचे कि कोई भी वाहन अगर चला रहा है और उसने मदिरा पान कर रखा है तो वो हमारी नज़रों से और कागजी कार्रवाई से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। मैडम अमूमन देखा गया है कि मैं भी सड़कों पे जाता हूँ, आप भी लगातार सड़कों पे जाके आए होंगे, आपने फीडबैक लिया होगा, चारों रूप देखा होगा आपने,
अमूमन देखते होंगे कि ट्रैफिक जो पुलिस होती है गुंडियों के सारे खड़ी रहती है, जो ट्रैफिक जो चलता है बेसिकली या तो रेड लाइट्स के भरोसे चलता है या फिर बैरिकेड्स के भरोसे चलता है, रेंगता हुआ पूरा ट्रैफिक रहता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक जरूरी क्या समझती हैं, या चालान काटना ज़्यादा जरूरी है या सख्ती से पालना के लिए या उनको शिक्षित करना जरूरी है, अवेयर करना जरूरी है? आप मुझे ये बताइए जयपुर की अभी पॉपुलेशन कितनी है, आप बताइए जयपुर की पॉपुलेशन कितनी है? करीब 40 लाख से ऊपर का करीब मैडम। जयपुर कमिश्नरेट का जितना फैलाव है उसमें आप 40 लाख बोल रहे हो, मैं कह रही हूँ 40 किलोमीटर का मेरे ख्याल से डायमीटर भी आ जाता है। ट्रैफिक में हमारे पास जागता कितना है वो इतना सीमित है, उसमें हमारे पास इतनी भारी कमी है स्टाफ की, हमें बैरिकेड्स का, हमें लाइट्स का, हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो शिथिल है, वो भी उसके साथ उनका सहारा, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, बेसिक जो अपने बैरिकेडिंग है उनका सहारा लेते हुए हम उसको हम सुविधा दे रहे हैं अपने स्टाफ को उनका कार्य करने में, उनके ऊपर जो जितना वर्कलोड है और जितना एक्सपांस है हमारे जयपुर कमिश्नरेट का उसके हिसाब से ये चीज़ें हमें इनका हमें सहायता लेनी पड़ेगी और हम आगे भी सहायता लेते रहेंगे और बल्कि हम इसमें और एड ऑन करेंगे। कई बार मनुष्य की गलती हो जाती है, स्टाफ की कई बार गलती रह जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी से हम उसे और एड ऑन करके उनको पूरा हम साजो सामान से हम उनको और सुदृढ़ करेंगे, यही हमारी कोशिश है। बिल्कुल ये थी अमृता धवन जो बता रही थी, कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक के नियमों के लिए खुद को जिम्मेदार होना पड़ेगा, जिम्मेदारी जब तक नहीं लेंगे तब तक आप ट्रैफिक के नियमों की पालना नहीं कर सकते। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जो ट्रैफिक को लेकर के जो मैडम लगातार कार्रवाई करेंगे, ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी, अगर जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन नैमी चंद के साथ यादव शर्मा, एबीपी न्यूज़ 11 न्यूज़।